आप रेस्टोरेंट में जॉब लेने जा रहे हो और आप उनको बोलो प्लीज जॉब दे दो, प्लीज मैं आपको 50,000 रुपये 1,00,000 रुपये देता हूँ, प्लीज जॉब दे दो, वो दे देंगे जब तक आपको खाना बनाना नहीं आता हो। ठीक है, जहाँ पैसे लिए जा रहे हैं जॉब के लिए कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे या इस टाइप से, तो वो फेक एंड फ्रॉड है। तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फाइनली आज का जो टॉपिक रहने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सभी के लिए। बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखना, एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाला हूँ और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेरे पास रेगुलरली, आप सबको पता है, जॉब से रिलेटेड चैनल है मेरा। रेगुलरली इंस्टाग्राम पे मेरे को हज़ारों DM आते हैं डेली कि जॉब, वर्क फ्रॉम होम जॉब, ये जॉब, वो जॉब, इस टाइप से पार्ट टाइम जॉब लगवा दो इस टाइप से। ठीक है, तो मेरे पास रेगुलरली काफ़ी सारे इस टाइम मैसेज आ रहे थे कि आप पैसे ले लो और जॉब लगवा दो। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूँ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के बायो में ही लिख रखा है फ्री जॉब सर्विस, राइट। तो पैसे की तो कोई बात ही नहीं आती, और पैसे की जो मैं आपको बात बता देता हूँ, पैसे आपको भी कहीं नहीं देने होते किसी भी जॉब के लिए। ठीक है, जहाँ पैसे लिए जा रहे हैं जॉब्स के लिए कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे या इस टाइप से, तो वो फेक एंड फ्रॉड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ यहाँ पे, एज क्राइटेरिया पे। अब आज हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, इनका मुझे मैसेज आता है कि एयरलाइंस में मेरी जॉब, मुझे जॉब करनी है बट मेरी एज 29 हो चुकी है। तो जो एयरलाइंस वाले कैंडिडेट होंगे, जो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनको पता होगा 27 या 28 लास्ट एज होती है एयरलाइंस ज्वाइन करने की। सो मैं यही चीज़ बताऊंगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला मुझे, उसके बाद इन्होंने बोला कि ये मेरी ड्रीम जॉब थी, कुछ आगे पीछे करके नहीं हो सकता क्या, जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूँ। तो वही चीज़ है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल देता हूँ कि भाई एज क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग आते हो मेरे पास पैसे ले लो जॉब दिलवा दो, ठीक है, तो इससे बेस्ट अगर आप मेरे पास आओ कि आप पैसे ले लो कुछ सिखा दो, तो कितना बेस्ट रहेगा। ठीक है, जॉब्स के लिए कभी भी पैसे ज़िंदगी में मत देना। आप ये साथ में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इनकी एज निकल गई और आज पछतावा होता है एज निकलने के बाद। ठीक है, तो इस एज निकलने के बाद पछतावा हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ, राइट। तो मैं यही बोलूँगा, आप 20 के हो, 21 के हो, भाई जैसे जैसे एज आगे बढ़ती जा रही है ना, ज़रूरी नहीं एयरलाइंस में 27, 28 है, 24, 25 भी एज होगी ना, उसके बाद आपकी जॉब बचेगी सिर्फ और सिर्फ क्या, या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, 30-30, 40-40 साल के हो जाओ, या तो आपके पास एक जॉब बचेगी डिलीवरी बॉय की। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि अपने पैसे अपनी स्किल्स सीखने पर इन्वेस्ट करो। मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर मैंने भाई मैंने ना दलाल ऑफिस खोल रखा है, अगर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया कि आओ सारे कैंडिडेट, इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं मेरे पास डेली, 1,000 रुपये दो और जॉब ले जाओ, ठीक है, तो मेरे को डेली कितने हज़ारों लोग हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। जी सर, मैं खाने के लाले पड़े में, सब्ज़ी लाने के पैसे नहीं है, वो भी मेरे को 1,000 रुपये ला के दे देगा जॉब के लालच में। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा ना उस कैंडिडेट को जॉब के लिए पैसे दे दे, वो तुरंत दे देगा, बट मैं उसको बोलूँगा ना कि वो री कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर सीखना है क्योंकि आजकल कंप्यूटर का दौर चल रहा है, उधर पैसे देने हैं आपको। ठीक है, और उसको सीखने के बाद आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और सिलेक्शन तभी होगा। वो कैंडिडेट नहीं करेगा क्योंकि अर्जेंट चाहिए, सबको बिल्कुल हाथ में चाहिए कि हाँ अभी दे दो हमें, तो ऐसा नहीं होता। इससे आप अपने पेरेंट्स की लाइफ भी बर्बाद कर रहे हो, अपनी लाइफ तो बर्बाद कर ही रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ना अपना घर बर्बाद करो, ना खुद को बर्बाद करो, एज की रिस्पेक्ट करो, जो बढ़ती हुई एज है उसकी रिस्पेक्ट करो, जल्द से जल्द कुछ सीखो। कुछ मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप रेस्टोरेंट में जॉब लेने जा रहे हो और आप उनको बोलो प्लीज़ जॉब दे दो, प्लीज़ मैं आपको 50,000 रुपये 1,00,000 रुपये देता हूँ, प्लीज़ जॉब दे दो, वो दे देंगे जब तक आपको खाना बनाना नहीं आता होगा, आप खुद सोचो। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि हमें जॉब दे दो, आता कुछ नहीं है, जॉब दे दो। ठीक है, तो इसीलिए जो रिसेंटली लेटेस्ट स्किल्स चल रही हैं उनको सीखो, उनको ग्रैब करो, फिर देखते हैं कि कौन आपको जॉब लेने से रोकता है, आप समझ रहे हो। तो यार इस टाइप से करो। ठीक है, मैंने 19.5 ईयर्स का जब मैं था, ठीक है, तब मैंने बैंकिंग में कैसे कदम रख लिया, मेरी कॉलोनी में ना 25 साल 30 साल 35 ईयर्स के अंकल हैं, वो बैंकिंग की तैयारी अब तक कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है भाई, राइट। अब वो ये सोचें कि मेरे को आके बोल दें कि ये लो पैसे मेरी जॉब लगवा दो, नहीं, मैंने वो स्किल्स ले लिए जल्दी, अब वो अब जाके ले रहे हैं। ठीक है, मैंने वो स्किल्स जल्दी ले ली इसलिए मैं 20 इयर्स की एज में बैंक में जॉब पे लग गया, लोगों के एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। तो वही चीज़ है, थोड़ा माइंडसेट चेंज करो अपना। ठीक है, जॉब के लिए पैसे देने से अच्छा कुछ सीखो, उधर पैसे दो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो।
मैंने आपको बताया था सैटरडे संडे मेरा पेरेंट्स के साथ जाता है, सभी पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने में। तो पेरेंट्स ने आके मुझे एक ही कंप्लेन की थी, हमारे बच्चे हमसे डिस्कस नहीं करते। तो अपने पेरेंट्स को भाई कुछ नहीं समझोगे तो कैसे चलेगा, राइट? अपने पेरेंट्स को समझना पड़ेगा आपको, अपने आपके पेरेंट्स को आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है? अगर समझो मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, ठीक है, मुझे शेफ बनना है, ठीक है, तो मैं अपने पापा को जाके बोलूँगा ना मेरे को ये सीखना है, शेफ़ का कोर्स सीखना है, ठीक है, या डायरेक्ट मैं रेस्टोरेंट में चला जाऊँगा मेरे को जॉब दे दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैं अपने पापा से डिस्कस करूँगा, मम्मी से डिस्कस करूँगा, या मैं ऐसा सोचूँगा अरे इनको क्या पता, नहीं ऐसा नहीं। क्यों नहीं पता? जब उन्होंने इतने से इतना कर दिया, आपको स्कूल पढ़ाया, कॉलेज पढ़ाया, तब भी तो उन्होंने पापा ने आपके पैसे दिए, तो अब क्या वो आपको पीछे कर देंगे या बोलेंगे नहीं आप जैसे आप उनके बेटे हो या बेटी हो, वो ये चाहेंगे कि आप सबसे पीछे रह जाओ और कॉलोनी सोसाइटी के बच्चों से और रिलेटिव्स के बच्चों से, कभी नहीं चाहेंगे आपके पेरेंट्स। बट ये है, अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाना आपका काम है कि हाँ मैं ये करूँगा, और उनके साथ प्लान डिस्कस करा करो अपना फ्रेंड समझ के, ठीक है, अपना गार्जियन समझ के, और पेरेंट्स ही हैं। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर चेंज लानी पड़ेगी, और ये बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा आपको। अगर बात समझ आई हो ना, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, कमेंट ज़रूर शेयर कर, और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को अगर आप समझ गए हो बात को, ठीक है। शेयर करना ना करना वैसे आपके हाथ में है, बट शेयर ज़रूर कर देना। और शेयर करने पे आपको पता है गिव अवे प्राइजेस रहते हैं, कैश प्राइजेस, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, इस टाइप के। तो जो रेगुलर शेयर रहता है, और उसको पर्सनल वैकेंसीज भी मेरी तरफ से मिलती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, होप करता हूँ कि आगे ऐसा आप लोग नहीं करोगे, अपना माइंड सेट चेंज करोगे, अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करोगे। और जिसको स्किल्स सीखने, मैंने हमेशा बोला हुआ है, मैंने पता है कैंडिडेट्स पैसे के लिए आ जाते हैं, बट मैंने ये बोला हुआ है कि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, और उस पर मैं स्किल्स आपको पहले बिल्डअप करूँगा, आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आजकल, कंप्यूटर चल रहा है, फाइनेंस चल रहा है, कोर्सेज, एक सर्टिफिकेशन हो जाएगा, कंपनी आपको हंस के लेगी, क्योंकि मैंने जब उस क्राइटेरिया पे जॉब ली है, तो मैं भी आपको वही गाइड करूँगा ना। जब मैं एचआर के पास गया, तो मैं फोल्डर लेके गया था, और मैंने फोल्डर उनके आगे रख दिया था, मैंने उनको सिर्फ एक लाइन बोली थी कि सर आपको जो स्किल चाहिए वो सारी स्किल्स इसके अंदर है, एक इतनी स्किल्स अपने पास इकट्ठा कर लो कि कोई एचआर आपको जॉब से मना ना कर सके। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने भी अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया था, मैं कोई अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा नहीं हूँ, ठीक है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बट करना पड़ा मुझे, और आज मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज है, सबको दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इतना शो ऑफ तो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, बट जो मेरी लाइफ है वो रियलिटी में सबको दिखी जाती है कि मेरी क्या लाइफ है, ठीक है। सो समझ आई हो, होप सो, मैं होप करता हूँ सबको समझ आ गई होगी, अपना माइंड सेट चेंज किया होगा, अपने पेरेंट्स से अब जाके सब डिस्कस करेंगे। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, स्किल्स सीखने के लिए, एंड एवरीथिंग, मुझसे पर्सनल गाइडेंस के लिए, तो वो ज्वाइन करे ग्रुप। इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करके ज्वाइन करना है आपको ग्रुप, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ताकि मैं आपको स्किल्स के लिए बिल्डअप कर पाऊँ, और आप आगे जितनी स्किल्स इनहेंस करोगे उतनी आगे जाके बेस्ट सैलरी होगी। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप अर्निंग, बी सेल्फ डिपेंड।